मैं सुषमा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज से आज जिस लेक्चर के लिए यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ उसका पेपर कोड और टाइटल इस प्रकार से है। पेपर कोड है आपका BEd SC 95 IDD एंड पेपर नेम आपका है साइकोसोशल एंड फैमिली इशूज MR। और ये कोर्स के कुछ आउटकम्स दिए गए हैं। Block 2 साइकोसोशल इशूज, यूनिट है आपका Unit 6 साइकोसोशल इशूज़ है। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साइकोसोशल इशूज़ जो है जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि मनोसामाजिक मुद्दे, मनोसामाजिक मुद्दे हैं वो किस कंटेक्स्ट में बात करना है तो हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन्स के बारे में बात करना है। जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम व्यक्ति हैं उनके लिए बात करनी है कि उनके लिए जो मनोसामाजिक मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं। आप देख सकते हैं कि पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ऑफन फेस अ रेंज ऑफ साइकोसोशल इशूज इंक्लूडिंग स्टिग्मेटाइजेशन, दे मे इनकाउंटर प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन ड्यू टू मिसकंसेप्शन अबाउट देयर एबिलिटीज। मिसकंसेप्शन के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ा था कि मिसकंसेप्शन और मिथ्स किस किस तरीके के होते हैं जो हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए अपने माइंड में बना के रखते हैं और समाज में किस किस तरह के मिसकंसेप्शंस व्याप्त हैं और वो किस तरीके से उन्हें प्रभावित करते हैं। तो एक स्टिग्मा होता है जो हम एक पूर्वाग्रह कह सकते हैं कि अपने माइंड में हम हमारे समाज में के जो समाज लोग हैं या जो भी व्यक्ति हैं वो एक स्टिग्मा बना के रखते हैं, एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं कि वो उनकी योग्यताओं को, वो उनकी एबिलिटीज़ को उस ढंग से नहीं देख पाते या नहीं समझ पाते हैं और उस आधार पर उनका वो भेदभाव और समाज से जो एक बहिष्कृत कह सकते हैं कि बहिष्कृत किया जाता है उन्हें, कि समाज में वो उनको वो स्थान नहीं मिलता है क्योंकि एक हम पूर्वाग्रह से ऐसे ग्रसित हैं कि ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते हैं या ये किसी योग्य नहीं है। इस आधार पर हम उन्हें समाज के अन्य कार्यों से, समाज की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे उनको हम अलग रखते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव कह सकते हैं इसको। डिफ़िकल्टी इन फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप ड्यू टू कम्युनिकेशन बैरियर्स और सोशल स्किल्स डेफिसिट्स कैन लीड टू आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि व्यक्ति, हर व्यक्ति समाज में रहता है और वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जब वो रहता है उसको बहुत सारे ऐसे सामाजिक कौशल होते हैं जिसको विकसित करना पड़ता है और उसमें एक की स्किल आपका है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी होती है तो हम देखते हैं कि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि आपके उससे रिलेशंस बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। लेकिन हम बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों की बात करें तो उनको इस चीज़ में समस्याएं आती हैं क्योंकि उनको संचार में, अपनी बातों को रखने में, अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाने में वो एक बैरियर होता है जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप को बनाने में और उसको मेंटेन रखने में कहीं ना कहीं उसमें कमी पाई जाती है, जिसके आधार पर हम वो व्यक्ति क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो सोशल आइसोलेशन की स्थिति में आ जाता है क्योंकि वो अपने भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है, वो दूसरों तक उनको पहुंचा नहीं पाता है और इसी वजह से दूसरे लोग भी क्या होता है कि उसको समझते नहीं हैं और जब वो नहीं समझते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति धीरे 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 समाज से कटता चला जाता है और सोशल आइसोलेशन वाली अवस्था उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आपका है बुलिंग एंड अब्यूज, दे आर एट हायर रिस्क ऑफ बीइंग बुलिड और अब्यूज ड्यू टू देयर वल्नरेबिलिटी एंड मे स्ट्रगल टू रिपोर्ट और एड्रेस सच इंसिडेंट्स। जो भी बौद्धिक अक्षम व्यक्ति होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि उनका एक तरह से कह सकते हैं कि डरा धमका कर कुछ कराना या फिर उन्हें भयभीत करना या फिर ये भी कह सकते हैं कि बाल श्रम, बाल अपराध, बाल शोषण, इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके साथ होती हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये व्यक्ति की समझ इतनी अच्छी नहीं है या व्यक्ति सोचने में समझने में
में सक्षम नहीं है, तो इस आधार पर समाज में एक अलग ही धारणा व्याप्त है कि लोग उन्हें डरा कर, धमका कर और गलत कार्यों में भी कई बार उन्हें उपयोग में ले आते हैं। और जो इससे ग्रसित व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति के साथ ही सारी चीज़ें हो रही होती हैं, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही है कि वह व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। और अगर गलत हो रहा है, अगर उसे समझ में भी आता है, मान लीजिए माइंड लेवल का कोई बौद्धिक अक्षम व्यक्ति है जिसको समझ में भी आता है, फिर भी उसके साथ लिमिटेशंस ये होती हैं कि वो इसको कहाँ रिपोर्ट करे, किससे कहे, कैसे कहे, ये इस चीज़ की संघर्ष की स्थिति उसके अंदर लगातार बनी रहती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी बौद्धिक अक्षम व्यक्ति होते हैं उनके साथ समाज में इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि उनको एक सामान्य व्यक्ति का दर्जा न देके हम उन्हें एक समाज से अलग ही एक प्राणी मानते हैं और उनके साथ बहुत ही मिसबिहेव भी किया जाता है जो कि उचित नहीं है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ से यहाँ तात्पर्य यह है कि बहुत जो हमारे पास अवसर होते हैं वो इनके लिए बहुत ही सीमित हैं। वो किस किस कंटेक्स्ट में हैं? एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मे बी लिमिटेड, हिंडरिंग देयर पर्सनल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ से तात्पर्य यह है कि हमारे लिए जब भी समाज में या हम जिस सोसाइटी में रहते हैं या फिर जिस सिटी में हैं, अगर हमारे पास विकास के अवसर हमारे पास होते हैं तभी एक व्यक्ति का विकास जो है सुचारू रूप से हो पाता है। और सामान्य व्यक्तियों के साथ भी बहुत सारे इसमें चैलेंजेस होते हैं, बट जब बौद्धिक अक्षम व्यक्ति की बात हम करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक उनकी पहुँच, इसके लिए पर्याप्त सुविधाएँ नहीं होती हैं। और शिक्षा नहीं होगी तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी नहीं होंगे, रोजगार में भी फिर समस्या आती है। और उसके बाद होता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, मनोरंजनात्मक क्रियाएं। मनोरंजन भी एक व्यक्ति की लाइफ में उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की अदर चीज़ें हैं, क्योंकि मनोरंजन ऐसी चीज़ है कि जिससे कि आपके पास कार्य करने की एक नई ऊर्जा फिर से विकसित होती है। जब भी आप कार्य करते करते बहुत थकान का अनुभव करते हैं या किसी स्ट्रेस का अनुभव करते हैं, लेकिन जब आप मनोरंजन के साधन आपके पास उपलब्ध होते हैं तो आप कुछ समय वहाँ व्यतीत करने के बाद आप फिर से अपने आप को एक चार्जिंग वाली स्थिति में लाते हैं और फिर से आप कार्य को अच्छा सा करने में सक्षम हो जाते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे बौद्धिक अक्षम व्यक्ति हैं उनके लिए एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ही सीमित है। उनके लिए वो पर्याप्त सुविधाएं उनके आसपास की जो लोकेलिटीज़ हैं, जो उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं या एरिया है उसमें उपलब्ध नहीं होता है, जिससे कि वो बच्चे इन सारी क्रियाओं से भी वंचित हो जाते हैं। हिंडरिंग देयर पर्सनल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तिगत विकास है और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की जो गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में उनको समस्या आती है, क्योंकि वो इन सब में उनको बाधाएं होती हैं और उनका जो व्यक्तिगत विकास है, उनका यह गुणवत्तापूर्ण जो जीवन है, वो जीवन जीना उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वो उनके पास जो बेसिक चीज़ें हैं उसी की पहुंच उन तक नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का तात्पर्य यहाँ यह है कि निर्भरता। निर्भरता हम इस कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि रिलायंस ऑन अदर्स फॉर डेली लिविंग एक्टिविटीज़ कैन इम्पैक्ट देयर सेंस ऑफ एटोनॉमी एंड सेल्फ एस्टीम। हम सब जब से जन्म होता है और जन्म के बाद से हम बच्चे के विकास पर इस तरह से कार्य करते हैं कि बच्चा जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बन जाए, बच्चा इंडिपेंडेंटली अपना कार्य करने में सक्षम हो जाए। इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं और केयर करते हैं जिससे कि बच्चा इसको करने में सक्षम हो जाए। बट ये हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन्स के साथ कुछ चैलेंजेस होते हैं जिससे कि वो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए भी अपने पेरेंट्स पे या अपने गार्जियन पर डिपेंडेंट होते हैं। उनको जो भी अपने दैनिक क्रियाएं होती हैं उनको उसमें देखभाल की आवश्यकता पड़ती है या उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से एक निर्भरता जो है वो उनकी बनी रहती है। और
इसका असर ये होता है कि उनके सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ इस्टीम, यानी कि उनकी जो स्वायत्तता एक होते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करें जिससे कि हमारा आत्मविश्वास बढ़े, बट इन चीज़ों पे डिपेंडेंसी की वजह से, अपने आइडियल के एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की डिपेंडेंसी की वजह से इन बच्चों में इसकी कमी पाई जाती है, जो कि इनके लिए एक कह सकते हैं कि बाधक है, और उनके लिए जो एक भरोसे वाली स्थिति होती है कि वो एक भरोसा अपने ऊपर नहीं कर पाते हैं, और इस तरह से जो उनकी लाइफ में समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो भी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। हायर रेट्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आर ऑब्जर्व एमंग इंडिविजुअल्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के साथ जो है सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो है ये है कि उनको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जो मानसिक स्वास्थ्य विकार होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं वहाँ से बढ़ते बढ़ते कई गुना और ज़्यादा बढ़ जाती हैं लाइफ लॉन्ग में, क्योंकि जब भी कोई हमारे पास समस्या आती है और उस समस्या का आइडेंटिफिकेशन हम जितना जल्दी कर लेते हैं उतना जल्दी हम उस पर सुधार का कार्य प्रारंभ कर देते हैं, बट यहाँ पर यह होता है कि हमें समस्याओं का जो समाधान चाहिए वो समाधान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उपलब्ध न होने की वजह से जो समस्या है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही सही नहीं हो पाती है, और उससे जुड़ी अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुश्चिंता का और कुंठा का कारण बनती है। और आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंतित या तनावग्रस्त होते हैं या कुंठित होते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम एक प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं लेकिन उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के बजाय हम दूसरी अन्य कई परेशानियों से घिर जाते हैं, और इस तरीके से समस्या जो है बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज़ क्या हैं? चैलेंजेज इन एक्सेसिंग अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एकोमोडेशन फॉर दियर स्पेसिफिक नीड्स कैन लीड टू हेल्थ डिस्पैरिटीज एंड निगलेक्ट। हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज के को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कोई समस्या है और उसके समाधान के लिए हमारे पास अगर सर्विसेज उपलब्ध हैं, हम जहाँ पर रहते हैं, हमारा रीजनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, तो ये हर लेवल पर सर्विसेज का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समस्या जब आती है तो उस समय जो भी परिवार के लोग होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि हमें अपने बच्चे की केयर कैसे करनी है और क्या क्या सुविधाएं उनको चाहिए, इसके बारे में उनको अवगत कराने के लिए प्रोफेशनल्स की नीड होती है, और उस वो प्रोफेशनल्स वो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होने की वजह से, वो सुविधाएँ न मिलने की वजह से जो बौद्धिक अक्षम बच्चों की विशेष आवश्यकताएँ होती हैं उनको हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं या फिर उन पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको हम प्रॉपर केयर नहीं दे पाते हैं, जिससे कि ये चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, और इसका कारण जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज का ना होना, उनकी सुविधाओं का ना होना है। इन सुविधाओं के अभाव में इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनकी समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उससे वो व्यक्ति और उनका परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। लीगल एंड एडवोकेसी इशूज़, लीगल एंड एडवोकेसी इशूज से तात्पर्य यहाँ यह है कि दे मे फेस लीगल चैलेंजेस रिलेटेड टू गार्जियनशिप, कंसेंट एंड राइट्स प्रोटेक्शन रिक्वायरिंग एडवोकेसी एंड सपोर्ट सर्विसेज। हर व्यक्ति जो भी जहाँ पे रहता है उसके कुछ अधिकार हैं जिससे वो अवगत होता है, तो वो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वयं से अपने एक्शंस लेता है या स्वयं से उसके लिए आवाज़ उठाता है, बट हमारी जो बौद्धिक अक्षम व्यक्ति हैं उनके साथ ही समस्याएं देखने को मिलती है कि उनके जो लीगल राइट्स हैं उनको वो समझ नहीं पाते कि उनके क्या अधिकार हैं वो और अपने अधिकारों का उन्हें कैसे प्रयोग करना है, तो इस तरीके के चैलेंजेस भी बहुत फेस करते हैं। कि एग्जांपल देखते हैं कि गार्जियनशिप को लेकर कई बार ऐसा होता है कि हमारे बौद्धिक अक्षम व्यक्ति जो हैं उनके परिवार में उनके माँ बाप किसी कारण से या किसी दुर्घटना में नहीं रहे, तो ऐसे में उस बच्चे की टेक केयर कौन करेगा, गार्जियनशिप किसके पास होना चाहिए या फिर कंसेंट से रिलेटेड राइट प्रोटेक्शन के अधिकार की सुरक्षा कैसे होगी,
रिक्वायरिंग एडवोकेसी एंड सपोर्ट सर्विस है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हमें जानकारी नहीं होती है तो हमें एडवोकेसी की आवश्यकता पड़ती है, कई बार हम एडवोकेट के थ्रू या फिर खुद से, हम खुद से यानी कि उनके जो गार्जियन है उनको इस बात को समझने की आवश्यकता होती है कि उनको उनके लिए कैसे, उनके हक के लिए कौन सी चीज़ें करनी है, कहाँ से चीज़ें उनको मिलेंगी, और इसकी जानकारी लेने की आवश्यकता पड़ती है। और सपोर्ट सर्विसेज, उनको जो सहायता कर सकते हैं ऐसे सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए जिससे कि वो जो चैलेंजेस फेस करते हैं गार्जियनशिप, कंसेंट एंड राइट प्रोटेक्शन रिक्वायरिंग एडवोकेसी एंड सपोर्ट सर्विसेज, इसमें उनको हेल्प मिल सके। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है लीगल एंड एडवोकेसी इशूज़, क्योंकि इसकी जानकारी अगर नहीं होगी तो हमारी गवर्नमेंट से हमें क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हम उसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं, उस बच्चे का कैसे जीवन अच्छे से चलेगा या फिर उसके सर्वांगीण विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इसकी जानकारी हमें और उस बच्चे को या फैमिली को भी हम लाभान्वित कर सकते हैं। फैमिली स्ट्रेस, पारिवारिक तनाव, पारिवारिक तनाव से भी यहाँ तात्पर्य यह है कि फैमिली में एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड स्ट्रेस ड्यू टू केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंसर्न्स अबाउट द फ्यूचर वेल बींग ऑफ देयर लव्ड वन। देखिए फैमिली स्ट्रेस क्यों होता है, वो इसलिए कि जब भी हम अपने बच्चों की बात करें या अपने परिवार की बात करें तो हम उनसे इतना ज़्यादा लगाव या इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कि हम उनके वर्तमान और भविष्य की चिंता करते रहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसा होगा, हमारा भविष्य क्या, हम क्या करें कि हमारे बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल हो और वो बहुत ही अच्छा कार्य करे। बट यहाँ जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके कुछ लिमिटेशंस की वजह से वो अपने इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी पाते हैं या फिर उन्हें बहुत सारी चैलेंजेस उसमें फेस करते हैं, तो ये पेरेंट्स के लिए एक तनाव का कारण बनता है। क्योंकि ये देखा गया है, ये अनुभव किया जाता है कि जब भी बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं तो उनको हमें केयर देने की ज़रूरत पड़ती है और जो कि लाइफ टाइम कई बार देना पड़ता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं ये उनके फ्यूचर से संबंधित होती हैं कि उनकी जिम्मेदारियां कौन लेगा, बच्चे अपने आप को कैसे संभालेंगे या बच्चे का जीवन कैसे कटेगा। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, क्योंकि सामान्य स्थिति में अगर देखें तो बच्चे जो होते हैं एक समय के बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है कि वो अपना जीवन स्वयं से जीने में सक्षम हो जाते हैं, उन्हें किसी के देखभाल की आवश्यकता नहीं होती या किसी से विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं होती। बट इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन्स के साथ ये बैरियर्स होते हैं कि वो उन्हें देखभाल की, उनके गाइडेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। तो ऐसे में पेरेंट्स के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि हम बच्चे को कैसे ट्रेंड करें या बच्चे के लिए ऐसा क्या करें जिससे कि बच्चा हमारा हमारे न होने के बाद भी अपना जीवन यापन कर सके। तो कई बार होता है कि सफल हो जाते हैं उसके लिए योजना बनाने में या उनकी व्यवस्थाएं बनाने में, लेकिन कई बार कई पेरेंट्स के लिए संभव नहीं हो पाता है जिससे कि वो उस बच्चे का जो जीवन होता है बहुत ही कठिन हो जाता है। और ये इस चीज़ के होने की वजह से पेरेंट्स का जो है तनावग्रस्त होना एक स्वाभाविक है कि पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, फैमिली पेरेंट्स और गार्जियन या परिवार के अन्य सदस्य भी इसको लेके स्ट्रेस में रहते हैं कि उसका जीवन कैसे सुचारू रूप से आगे कटेगा। फाइनेंशियल स्ट्रेन, फाइनेंशियल स्ट्रेन से तात्पर्य यह है कि जो भी आर्थिक तनाव होते हैं धन संबंधी, वो इसलिए होते हैं कि फाइनेंशियल कंसंट्रेंट्स में अराइज ड्यू टू द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ स्पेशलाइज्ड केयर थेरेपीज एंड सपोर्ट सर्विसेज। फाइनेंशियल स्ट्रेन इसलिए भी होता है कि हम जानते हैं कि जब कोई समस्या आती है तो वो अकेले नहीं आती है, एक समस्याओं के साथ कई समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। जो उनके स्पेशल केयर, जैसे कि कोई दिव्यांग व्यक्ति है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड या अदर डिसेबिलिटीज से भी अगर ग्रस्त है तो उसको हमें स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है, थेरेपीज की एंड सपोर्ट सर्विसेज देनी पड़ती हैं, उनके लिए अलग से हमें असिस्टेड डिवाइसेज लेने पड़ते हैं, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, उनके लिए थेरेपीज जो होती हैं उनको सर्च करना पड़ता है, और कई बार ये थेरेपीज जो होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं जिस
जिसको चाहते हुए भी गार्जियन या जो भी उनके पेरेंट्स हैं कई बार नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने उपलब्ध नहीं होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि उस बच्चे पर उतना खर्च कर सकें, क्योंकि उनके पास परिवार की अन्य जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो इस तरीके से फाइनेंशियल जो चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रेन होता है, वो कॉस्ट एसोसिएटेड होता है कि भाई हम अगर बच्चे को अगर ले जाते हैं किसी थेरेपी के लिए या कोई हम सपोर्ट सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए पे करना पड़ेगा। और वो पे करने वाली जो समस्या होती है, वो अगर मान लेते हैं कि हमारी फैमिलीज जो हैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टेबल है या साउंड है, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर समस्याएं देखा जाए तो उस डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी कई बार बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि वो उसको संभालने में या उसके लिए सर्विसेज लेने में समर्थ होते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप जाके देखें तो बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं, बहुत से ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और ऐसे में उनके पास ये समस्या ये होती है कि वो इस थेरेपिस्ट को चाहते हुए भी अपने बच्चे के लिए नहीं करा पाते हैं या फिर वो सुविधाएँ नहीं दे पाते हैं जो वो देना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे हमें कार्य करने की आवश्यकता है। कंक्लूजन, हमने अभी तक जो देखा कि हमने जो साइकोसोशल इश्यूज हैं उनके कई पॉइंट्स पे विस्तार से यहाँ पे चर्चा किया कि ये मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन उसका समाधान क्या है हमें ये भी सोचना पड़ेगा, और इसको इसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। एड्रेसिंग दिस इश्यूज रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इन्वॉल्विंग एजुकेशन, अवेयरनेस, पॉलिसी एडवोकेसी, कम्युनिटी सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इन जो भी हम अभी हमने मुद्दों को देखा कि इनके लिए आवश्यकता किस बात की है, हम ऐसा क्या करेंगे कि जिससे कि इनकी समस्याओं को हम कम कर सकें या इनके लिए हम कुछ हेल्पफुल हो सकें, तो ये समाज के व्यक्ति जो भी हैं जो समर्थ हैं या फिर जो एजुकेटेड हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो इन चीज़ों को समझें, एक अवेयरनेस फैलाएँ समाज में कि हम इन व्यक्तियों की जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं, उनको जानें, उनको देखें और उनके प्रति जो भी हमारा दायित्व है उसको पूरा करें। तो उसमें सबसे पहले आपको करना है कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच यानी कि आपको व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उसको अपनाना पड़ेगा कि हम उसके एजुकेशन, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा बहुत ही अक्षम है या डिसेबल्ड है तो उसे एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, हमें उसको एजुकेशन के लिए जितना भी हो सकता है उतना हमें प्रयास करना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी, हमें समाज के लोगों को जागरूक करना होगा। पॉलिसी एडवोकेसी, जो भी पॉलिसी बनाए जाते हैं और उसके लिए वो कितने सही हैं या कितने उपयोगी हैं उन व्यक्तियों के लिए, इसके लिए भी हमें कार्य करना पड़ेगा। कम्युनिटी सपोर्ट, जो भी व्यक्ति हैं वो समाज में रहते हैं और जिस समुदाय में रहते हैं उनका सपोर्ट बहुत आवश्यक है, क्योंकि कम्युनिटी ही सबसे पहले उस व्यक्ति के या उस बच्चे के टच में आती है और वो उनकी आवश्यकताओं को समझ के अपने समुदाय में उनके प्रति जो भी सपोर्ट सर्विसेज हैं उनको विकसित करने में उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, और जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि बौद्धिक अक्षम दिव्यांगता से जो भी ग्रसित व्यक्ति हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जाए, और वो सशक्तिकरण तभी हम कर सकते हैं जब हम खुद सशक्त बनेंगे, और हम खुद सशक्त बने और समाज के अन्य व्यक्तियों को भी इसके लिए हमें मोटिवेट करना होगा, हमें बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा जिससे कि उनकी समस्याओं में कुछ हद तक हम हेल्पफुल हो सकेंगे, मददगार साबित हो सकेंगे और इस बात के लिए हम जवाबदेह हो सकेंगे कि हाँ हमने हमारे समाज के लिए, अपने राष्ट्र के हित के लिए कुछ कार्य किया है, और वो व्यक्ति समाज से अलग नहीं होंगे जिनको हम अपने कुछ भ्रांतियों की वजह से, कुछ मिथ्स की वजह से हम उन्हें अपने समाज से अलग कर देते हैं, एक अलग व्यक्ति मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि हम ऐसे व्यक्तियों को अनदेखा ना करें, उनको देखें, उनसे बात करें, उनकी समस्याओं को समझें। जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तभी हम उसके आगे का कार्य उसके लिए कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोग को यही बताना चाहती थी कि इस पे कौन कौन से आपके मनोसामाजिक मुद्दे हैं, और आई थिंक आप लोगों को इस व्याख्यान से ये स्पष्ट हो गया होगा कि मनोसामाजिक मुद्दे कौन कौन से हैं। थैंक यू।